सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन 66वें दिन भी जारी रहा, जहां आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल के 5वें दिन बैठे श्रमिक मुकेश कबड़वाल के स्वास्थ्य में हो रही गिरावट को देखते हुए धरना स्थल पर प्रशासन की टीम ने पहुंचकर भूख हड़ताल में बैठे आंदोलनकारी मुकेश कबड़वाल को जबरन उठा लिया। इस दौरान अनशनकारियों के नायब तहसीलदार राजीव कुमार वर्मा और कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने जबरन भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी मुकेश कबड़वाल को उठा लिया। इस दौरान खींचतान में भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिक गश खाकर गिर गया, जिसके बाद प्रशासन ने डॉक्टरों की देखरेख में एम्बुलेंस के माध्यम से हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया। ये सब लोकतांत्रिक तरीके से हैंडल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है, जिला प्रशासन भी मिला हुआ है, और सेंचुरी का तो बिल्कुल ये समझ लीजिए एंटी लेबर मूवमेंट है इनका, पूरा मजदूर विरोधी रवैया है इनका पूरा। इन्होंने कई यूनियनों को भी तोड़ करके साइलेंट कर रखा है, तो इस स्थिति में आंदोलन तो बढ़ेगा। ऐसा है, आज 66 दिन यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं और भूख हड़ताल का ये 5वां दिन है, और 5वें दिन में इन्होंने हमारे दो श्रमिक यहाँ से उठा दिए हैं प्रशासन ने। अब अभी तक तो मेरे को केवल शासन प्रशासन पर शक था, लेकिन अब मुझे पुलिस पर भी शक होने लग गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पुलिस प्रशासन को भी जो है सेंचुरी प्रबंधन ने के साथ कहीं गांठजोड़ मिली जोड़ ना हो गई हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन का जो रवैया है और बार बार आकर के यहाँ पर डराना और धमकाना और इस तरीके से जो है दूसरे दिन तीसरे दिन ही उनको उठाना, जबकि वो जो श्रमिक यहाँ पर बैठे हुए थे अभी मुकेश कबड़वाल जी, वो आज तीसरा दिन उनका था, तो तीसरे दिन में ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी को उठा के ले जाया जाए,